और इस बीच एक और बड़ी खबर है जिसमें ब्रिटेन की ओर से एक नई वॉर प्लानिंग की जा रही है। रूस की धमकियों के बीच ब्रिटेन ने बड़ा एक्शन लिया है। यूरोप के पूर्वी इलाकों में जाएंगे 8,000 ब्रिटिश जवान। शीत युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में सबसे बड़ी अब तक की सैन्य तैनाती मानी जा रही है। नाटो देशों के हजारों जवान बड़े युद्ध की तैयारी करेंगे। वॉर ड्रिल में गैर नाटो देशों की सेनाएं भी शामिल होंगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि अभी तक ब्रिटेन ने बहुत सारी मदद पहुंचाई यूक्रेन को, लेकिन सीधे रूप से सैन्य मदद नहीं दी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नई वॉर प्लानिंग यही है ब्रिटेन की, कि सैनिकों से भी यूक्रेन की मदद में अब जंगे मैदान में उतरेगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का जो बड़ा ऐलान है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर ब्रिटेन का सबसे बड़ा वॉर प्लान है क्या। दरअसल पूर्वी यूरोप में ब्रिटेन के 8,000 और जवान भेजे जाएंगे, इस बात के पर चर्चा चल रही है ब्रिटेन में लगातार। और कोल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की सबसे बड़ी इसे सैन्य तैनाती भी माना जा रहा है। वहीं फिनलैंड से लेकर नॉर्थ मैसेडोनिया तक नाटो फ्रंट और ज्यादा इससे मजबूत होगा। यूक्रेन युद्ध को देखते हुए कई देशों में टैंकों की तैनाती भी बढ़ेगी। नाटो देशों के जवान बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी इस वक्त करने में जुटे हुए हैं। ड्रिल में फिनलैंड, स्वीडन जैसे गैर सदस्य देशों की सेनाएं भी शामिल होंगी। लंबी प्लानिंग के बाद रूस को जवाब देने की स्ट्रैटेजी भी बनाई गई है। तो ब्रिटेन का यही है नया और बड़ा वॉर प्लान, जिसमें अब यूक्रेन में अपने सैनिकों की तैनाती भी करने को तैयार है ब्रिटेन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।